तो अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग एक्साइटेड होंगे कि जुलाई के मंथ में कितने लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर स्विच कर लिया है, कौन सी कंपनी हुई टॉप लिस्ट में शामिल और किस कंपनी को हुआ भारी नुकसान। वहीं पर जुलाई में काफी सारी कंपनीज बहुत सारी ऑफर स्कीम और डिस्काउंट भी लेकर आई और उसके बाद कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिला। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज के बारे में जिन्होंने जुलाई मंथ में किए हैं सबसे ज्यादा सेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर है ओकिनावा। ओकिनावा कंपनी एक टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पे हुआ करती थी, लेकिन आज ये टॉप 5 पर है क्योंकि कंपनी की सेल कुछ खास नहीं है। समय के साथ साथ इस कंपनी का सेल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। मई मंथ की अगर बात करें तो इस कंपनी ने 2619 यूनिट सेल की थी और जुलाई मंथ की अगर बात करें तो इस कंपनी ने सेल की है 2043 यूनिट। और मंथली ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे -18% देखने को मिला है। और जब से फेम टू सब्सिडी रिवाइज हुई है इस कंपनी का सेल्स लगातार गिरती ही जा रही है। तो लिस्ट में लास्ट मंथ की तरह ही चौथे नंबर पर है बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात करें तो इसका जो मई मंथ का सेल्स था वो था 3000 यूनिट और जुलाई मंथ की सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर स्कूटर का सेल्स है 3912 यूनिट। मंथली ग्रोथ की अगर बात करें तो 30% का ग्रोथ हमें इस कंपनी का देखने को मिला है। तो अगर बात करते हैं थर्ड नंबर की तो यहाँ पर है एथर एनर्जी। मई मंथ में इस कंपनी ने सेल आउट किए थे 4500 यूनिट और जुलाई मंथ की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी ने सेल किए हैं 6198 यूनिट। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है एथर एनर्जी की और मंथली ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर है 34% और एथर का जो ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इसी मंथ कंपनी लॉन्च कर रही है अपना नया अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450S। अब अगर बात करें नंबर 2 की तो यहाँ पर इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी TVS है। TVS अपने अच्छी सर्विसेज और क्वालिटी के लिए माना जाता है। TVS की लास्ट मंथ सेल थोड़ी सी डाउन देखी गई थी, लेकिन जुलाई के मंथ में कंपनी ने थोड़ी सी रिकवर की है। तो मई मंथ की सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर था 7856 यूनिट और जुलाई मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर TVS ने सेल आउट किए है 9599 यूनिट और यहाँ पर मंथली ग्रोथ की अगर बात करें तो 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दे कि इस मंथ 23 अगस्त को TVS अपना और एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। हालांकि वो इलेक्ट्रिक बाइक भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हो सकती है, अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च होने वाली है कहा जा रहा है कि ये एक बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। तो अब अगर बात करें नंबर 1 पोजीशन की तो यहाँ पर आ जाती है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने लास्ट मंथ सेल आउट किए थे 17622 यूनिट और जुलाई मंथ की अगर बात करें तो 18333 यूनिट्स ओला इलेक्ट्रिक ने सेल आउट की है। मंथली ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर यूनिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट TVS से डबल यूनिट्स ओला इलेक्ट्रिक ने सेल आउट कर दिए और लास्ट मंथ में ही कंपनी ने अपना अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर को भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अपने प्रीवियस मॉडल ओला S1 को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी सेल्स में कितना इंपैक्ट पड़ती है, सेल्स इंक्रीज होती है या फिर S1 मॉडल की डिसकंटिन्यू होने की वजह से इनका सेल्स में कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको हाल ही में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो इनमें से कौन सा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदना चाहोगे कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।